से अपनी तेज भागी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे जो उसके लैब से चोरी हो गए हैं। शूज को मैंने एक लॉकर में छुपा रखा था और उसके बारे में किसी को नहीं पता था। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि शूज चोरी कैसे हो गए। क्या आप इस लॉकर को देख के बता सकते हैं लॉकर को खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पानी
कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो अंदर जाके देखता है तो यहाँ पे तिजोरी में से कुछ चोरी हुआ है और साइंटिस्ट किडनैप हुआ है। जरूर ये चोरी और किडनैपिंग वो स्पेशल केमिकल के लिए हुई है। मेहुल तुरंत खुद को लेकर साइंटिस्ट को फोन करके ये सब बता देता है। मेहुल दोनों साइंटिस्ट के केस निकलवाता है। तब मेहुल को पता लगता है कि असल में दो नहीं बल्कि चार साइंटिस्ट है जो पावर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। चौथा साइंटिस्ट तो शहर के बाहर है। जरूर अपनी किडनैपिंग साइंटिस्ट थ्री। मेहुल साइंटिस्ट थ्री के घर पहुँच जाता है और उसे अब तक जो हुआ सब बता देता है और हॉल में बैठकर किडनैपर का वेट करने लगता है और पुरानी किडनैपिंग की फोटोज देखता रहता है। तभी उसका ध्यान दो फुटेजेस पे जाता है जिससे उसे क्लू मिलता है। वर्टिकल आर्मी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेरे को क्या क्लू मिला होगा? अगर आप दोनों फुटेजेस पे काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा जयकाल। जब जयकाल साइंटिस्ट इन सबके पीछे है मेरे समझ जाता है। तभी मेरे को पीछे से आवाज आती है। मेहू देखता है कि वॉल को कोई हीट कर रहा है। वॉल ब्रेक हो जाती है और उसमें से लेजरमैन बाहर आता है। मेहुल तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। लेजरमैन मेहुल पर लेजर छोड़ता है। मेहुल के पास में एक चेयर दिखती है। मेहुल चेयर को सामने लेके आ जाता है और चेयर में लेजर से आग लग जाती है। लेजरमैन दूसरे चेयर उठा के मेहुल पर फेंकता है। चेयर मेहुल को लगती है और मेहुल बेहोश हो जाता है। लेजरमैन तीसरे साइंटिस्ट को भी वहाँ से किडनैप करके लेके चले जाता है। मेहुल को होश आता है। लेजरमैन तो बहुत पावरफुल है। मेहुल मदद के लिए कुशल को फोन लगाता है और दोनों साइंटिस्ट भूल भुलैया के पास पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट दोनों को एक कबर्ड के सामने लेके जाता है। कबर्ड लॉक्ड है। क्या आप कबर्ड को देख के इसको खोलने का कोई पता कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस कीजिए, आपको कोड मिल जाएगा। इससे पहले मैं 1 into 2 into 3 नहीं, 1 plus 2 plus 3 कीजिए तो वो 6 हो जाएगा। दूसरे में 1 into 2 into 4 है तो वो हो जाएगा 1 plus 2 plus 4 और वो हो जाएगा 7। तो कोड के लिए हो जाएगा 2 plus 3 plus 3 और वो हो जाएगा 8। साइंटिस्ट कोड प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और अंदर एक सूट रखा होता है। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि लेजर गन की लेजर इस सूट पे काम नहीं करेगी और ये सूट साइंटिस्ट खोल भी सकते हैं। कुशल वो सूट पहन लेता है और मेहुल और कुशल दोनों फोर्थ साइंटिस्ट के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों साइंटिस्ट से मिलते हैं। साइंटिस्ट बताता है कि वो पावर जिन को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले मशीन पे काम कर रहे थे और वो सक्सेसफुल हो गए थे। मशीन को उन्होंने छुपा दिया है। शायद भी नहीं तो लॉकर के अंदर कैसे हो सकते हैं? जैसे लॉकर अंदर से खोला गया हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मैनेजर मेहुल को बताता है कि चोरी जरूर भाजप जिनने किया है उसका भूत म्यूजियम के आसपास बहुत बार देखा गया है। मैनेजर गार्ड को बुलाता है। गार्ड भी बताता है कि उसने कल एक भूत देखा था जो दीवार को आर पार कर गया। मतलब टीवी पे जो न्यूज थी वो सच्ची थी? इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैनेजर बताता है कि शायद भीमसेन अब महल की सारी चीजें वापस कलेक्ट कर रहा है जिससे उन्हें वापस महल में लेके जा सके, उससे ये श्राप खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को कॉल आता है कि एक और म्यूजियम में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और म्यूजियम में पहुंच जाता है। वापस वही जहां चोरी हुई वो वाला रूम लॉक्ड था। लॉक खोलने के लिए आपको ऑन और आउट बटन को प्रेस करना है। लॉजिकल आदमी सोचिए और मुझे बताइए इनमें कौन सी बटन ऑन और आउट है। इनमें ऑन और आउट है हेलीकॉप्टर। बाकी चीजें जमीन पे चलती है लेकिन हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है। मेहुल बटन प्रेस करके अंदर चला जाता है। वापस से अंदर उसे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते लेकिन जब मेहुल तिजोरी खोलता है तो उसे अंदर फिंगरप्रिंट मिलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैनेजर बताता है कि तिजोरी में राजा भीमसेन का हार रखा हुआ था। वो हार बहुत कीमती था, वो चोरी हो गया है। वो कहते हैं वो हार राजा को बहुत पसंद था, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। यहाँ का मैनेजर भी सेम स्टोरी बताता है कि भीमसेन का भूत यहाँ देखा गया है और गार्ड भी मेहुल को यही बताता है। ऐसी और चोरियों और राजा भीमसेन की चीज़ लेकिन कहाँ और क्या? तभी मेहुल को जमीन पर एक पेपर मिलता है। वो एक मैप है और उसमें एक स्क्वायर बना हुआ है कौन से म्यूजियम से क्या चुराया गया और क्या क्या चोरी होगा। इनसे समझ रहा है अगली चोरी जरूर कपड़े के लिए होगी और ये वाले म्यूजियम में होगी। मेहुल कार निकालता है और म्यूजियम में पहुंच जाता है। मेहुल म्यूजियम के बाहर गार्ड के साथ खड़ा रहता है।
तभी मेहुल और गार्ड दोनों को एक भूत दिखता है जो दीवार से अंदर चला जाता है। मेहुल तुरंत गार्ड के साथ म्यूजियम के अंदर जाता है। दोनों देखते हैं कि वो भूत राजा के कपड़े लेकर जा रहा है। मेहुल उसका पीछा करता है लेकिन वो दीवार पार करके चला जाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो इंसान तो नहीं था, उड़ रहा था, तो क्या सच में राजा का भूत था? तभी मेहुल को साइंटिस्ट भूत बुलाने का कॉल बुलाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। क्या आप देख के बता सकते हैं ABCD में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रास्ता सी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता सी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक बहुत ही सही रोबोट बनाया है जो दीवार को आर पार कर सकता है, छोटा सा है और हवा में उड़ सकता है। और साइंटिस्ट मेहुल को वो रोबोट का सैंपल दिखाता है। इंटरेस्टिंग, तो ये दीवार आर पार कर सकता है, उड़ सकता है, कहीं राजा भीम से और ये रोबोट का कोई कनेक्शन तो नहीं? साइंटिस्ट, क्या तुमने ऐसे और रोबोट बनाए हैं?